सरिता ज्वल पुनीत मनोहर चरिता फिर मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली है। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती है और दूसरी सरस्वती जी को और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती है। श्री महेश और पार्वती जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा हैं, तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं। कल लोक जगत हरि गिरजा सावर सावर मंत्र जाल जिन सिरजा प्रगट प्रभाव महेश प्रताप जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए सावर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका न कोई ठीक अर्थ होता है और न जप ही होता है, प्रताप श्री शिव जी के प्रताप से उनका प्रभाव प्रत्यक्ष है। शोक में समोह पर अनुकूला कर प्रतापोद मंगल मूला सुम शिवा शिव पाइप चरित्र वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का ऐसा प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचंद्र जी का वर्णन करता हूँ। वनत मोर शिव कृपा विभाती समाज मिले मन सुराती ये कहे
कहे हर सुन सब है राम चरण कले मल रत्न सुमंगल मेरी कविता श्री श्री जी की कृपा से ऐसी शोर तोड़ी जैसे तारागणों के सह चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहे सुनेंगे वे कलयुग के पापों से रहे और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। सपने ऊषा चुमो है पर जो हर कौन प्रसा तो पुरो जो कहे सब भाषा बन यदि मुझ पर श्री शिव जी और पार्वती स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्न का हो तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वह सब सच हो। जय श्री राम राजे राधे जय श्री कृष्णा।